नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिससे आपको आपकी असलियत पता चल जाएगी, आपके पोर्टफोलियो की असलियत पता चल जाएगी। हर इंसान चाहता है ये जानना कि यार मेरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, वो और दूसरे लोगों के मुकाबले अच्छा है कि नहीं है, क्या इस समय के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो आपको क्या चाहिए? एक अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड। तो आज की वीडियो में आप बना सकेंगे अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड खुद। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन पहली बार, हाँ दोस्तों पहली बार कोई ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें आप अपने खुद के पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड बना सकेंगे कि कैसा मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट कार्ड क्यों चाहिए, क्या क्या खास बातें हमें देखनी है इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए। तीसरा, इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, किन किन चीज़ों को मिला के हम इस रिपोर्ट कार्ड को बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हम इस रिपोर्ट कार्ड को बनाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एक सैम्पल रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बना के दिखाऊंगा। केवल वो ही नहीं दोस्तों, शायद लाइफ में पहली बार मैं अपना पोर्टफोलियो लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड लाइव आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा सेम पैरामीटर्स पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस तरह रिपोर्ट कार्ड बनाने की बातें कर रहा हूँ और उस रिपोर्ट कार्ड का मतलब आपके लिए क्या है और उस रिजल्ट के बेस पर आपको आगे क्या डिसीजन लेने, कैसे काम करने हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम। क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? एक बहुत बड़ी कहावत है, पीटर ड्रकर बहुत बड़े, बहुत फेमस सज्जन रहे, उन्होंने बोला कि इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। जिस चीज को आप मेजर ही नहीं कर सकते, जिस चीज को आप नाप ही नहीं सकते, उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है बहुत सारी, आपके पास बहुत सारा पैसा, कुछ भी आपके पास है, अगर आपको हिसाब किताब ही नहीं है कि भाई कितना है और कैसा चल रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसी तरह से सर विलियम थॉम्सन ने बोला है कि इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और मैंने बहुत लोगों को देखा, कई सालों से कई सारे शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में हैं, पर चूंकि उनको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है कोई तरीका कि कैसा उनका पोर्टफोलियो कर रहा है, तो उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे और सोच रहे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जबकि शायद उनका पोर्टफोलियो इतना खराब चल रहा है कि मतलब ये समझ लीजिए आपके जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल निफ्टी, उनके पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न दे रहा है, उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, इतना खराब, उनको पता भी नहीं, क्योंकि वो उसको मेजर नहीं कर पा रहे साल दर साल। तो ये सब देखेंगे दोस्तों। और देखिए, पीपल मेक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। और दोस्तों, मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त हूँ, तो हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है क्योंकि उसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और ये करने के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, उसको रिपोर्ट कर जाना, टू मेक श्योर दैट दे आर ऑन द राइट पाथ। तभी तो आपको पता चलेगा आप सही रास्ते पे हो कि नहीं। अब पोर्टफोलियो रिपोर्ट कार्ड हेल्प्स यू टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक बार आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया, जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, तब टीचर बोलती है इसकी ट्यूशन लगा दो, या ये सब्जेक्ट इसके बस का नहीं है, प्रिंसिपल बात करती है, पीटीएम मीटिंग होती है, सब कुछ होता है ना। तो वही रिपोर्ट कार्ड आपको अपने लिए करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ कोई आपका टीचर नहीं है या कोई आपका प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज है आपका अपना पोर्टफोलियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो ये दोस्तों कि मैं पहली बार, मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि मैं पहली बार अपना खुद का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मैं ऐसे समय पे कर रहा हूँ दोस्तों जिस समय मार्केट, शेयर बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, तो ऑब्वियसली शेयर्स भी थोड़ा हाई पर हैं, लेकिन अपना पोर्टफोलियो शेयर करना, और मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, लेकिन जो मेरा सबसे प्राइमरी, सबसे बड़ा अकाउंट है, उसका पोर्टफोलियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड बना के दिखाऊंगा आपको। और फिर आपको ये समझना है कि आपका क्या अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में किस तरह के शेयर्स में आप ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। आप रिस्की शेयर्स लेते हैं, आप सेफ शेयर्स लेते हैं, आप न्यू कंपनी शेयर्स लेते हैं, आप डिविडेंड बेस्ड शेयर लेते हैं, तो ये आपको समझना है, क्योंकि हो सकता है आपका रिपोर्ट कार्ड वेरी कर जाए केवल आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से। आप लोगों से सुनी सुनी बातों पे शेयर्स लेते हैं, आप टिप्स पर शेयर लेते हैं, या आपने किसी एडवाइजरी सर्विस, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, शेयर एडवाइजर से टिप आप समझते हैं। और फिर आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या है? हाँ दोस्तों, हो सकता है कि रिपोर्ट कार्ड आपके लिए कड़वी दवाई के जैसा हो, और हो सकता है कि स्वीट ट्रीट हो,
क्योंकि आज आपको पता लगने वाला कि आपके अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, आप उसको क्या ग्रेड देंगे, और वो ग्रेड लेकर आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों जो भी लगे, लगना बहुत जरूरी है। और रिपोर्ट कार्ड देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है। अगर मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हो तब कैसा होगा, ऑब्वियसली आपका रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा होना चाहिए, ऑल टाइम हाई होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो अगर ऐसे में आपका पोर्टफोलियो अपर बैंड में नहीं है तो हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके पोर्टफोलियो के साथ। ये बहुत यूनिक वीडियो, जैसा मैंने बोला, मैं जब अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने कई वीडियोस ढूंढे, कहीं मेरे को ऐसा नहीं मिला कि रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड वाला वीडियो हो कोई। तो मैंने अपना, मैं हर साल बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि इस बार मैं अपना वीडियो भी बना रहा हूँ तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाया, थोड़ा सा उसको सरल किया है मैंने। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में बहुत जरूरी है आपको समझना अपना रिपोर्ट कार्ड। और देखिए कई पोर्टफोलियो तो ऐसे होते हैं लोगों के, उनकी एफडी से भी बेकार परफॉर्म करते हैं। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एफडी जो 6-7% इंटरेस्ट दे रही है, लॉन्ग टर्म में कुछ लोगों का पोर्टफोलियो उतना भी नहीं देता। तो कम से कम आपको ये तो समझ में आएगा कि यार मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा चल रहा है एफडी के मुकाबले। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके शेयर्स हैं, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका उद्देश्य है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने, क्या उसके साथ अलाइन है कि नहीं है। देखिए कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट ले लो, म्यूचुअल फंड्स हो गए, नौकरियां हो गई, बिजनेसेस हो गए, सब में बेंचमार्क होते हैं, सब में रिपोर्ट कार्ड होते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, हमारी नौकरी कैसे चल रही है, हमारा म्यूचुअल फंड कैसे चल रहा है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स का क्या, इन्वेस्टमेंट का भी होना चाहिए ना। इसीलिए आज हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट की वजह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी, और आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल रिपोर्ट कार्ड आप बना सकते हैं अपना, कैसे बनाएंगे देखिए। फाइनली इस एक्सरसाइज के एंड में आप अपने अपने पोर्टफोलियो को A+, A, B या C दे सकते हैं। मतलब A+ मतलब कि आपका पोर्टफोलियो एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया, पार्टी करेंगे। ए अबव एवरेज है तो भी अच्छा, चलो कम से कम खराब तो नहीं है। बी बिलो एवरेज है, मतलब अगर बी या सी आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है तो पक्का आप या तो अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही चेंज कर दीजिए, या अपना पूरा पैसा किसी और को पकड़ा दीजिए, किसी एडवाइजर को पकड़ा दीजिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड ही खरीद लीजिए। तो इस तरह के डिसीजन हम करेंगे, लेकिन ये फाइनली जब मैं अपने पोर्टफोलियो को बनाऊंगा रिपोर्ट कार्ड, तो इस इनमें से किसी कैटेगरी में आके हम लोग लैंड करेंगे और मार्क्स देंगे, बाकायदा नंबर देंगे अपने पोर्टफोलियो को। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाएं, क्या क्या स्टेप्स है रिपोर्ट कार्ड बनाने के। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, जिस भी ब्रोकर के पास आपकी रिपोर्ट है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, ये अपस्टॉक्स, जहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो की P&L रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। उस रिपोर्ट में हमें क्या करना है कि फिल्ट तो पिछले जो स्टॉक्स आपने केवल 3 महीने, पिछले 3 महीने में लिए, उनको हम फिल्टर आउट कर दें, उनको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीना बहुत कम पीरियड है जानने के लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। अगर मैं करंट एग्जाम्पल लूँ तो मैंने पिछले 3 महीने में जैसे 3 या 4 स्टॉक्स ऐड किए, चारों के चारों बहुत ऊपर हैं। वो बहुत ऊपर क्यों है, क्योंकि स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, तो रीसेंट परफॉर्मेंस गड़बड़ कर देगी। तो पिछले 3 महीने के रिपोर्ट्स के शेयर्स उसमें से निकाल देंगे, फिर उन सबको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे A to Z, जिससे कि हमें उनको मार्क्स देने में आसानी रहेगी। फिर हम उनका 10 साल का मंथली ग्राफ देखेंगे, मंथली कैंडल, कोई भी आप, जैसे मैं जीरोधा में आपको दिखाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू में लोग देखते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, पिछले 10 साल का मंथली ग्राफ कैसा है उन शेयर्स का। और उनको मार्क्स देंगे 1 to 5, 5 मतलब कि सबसे अच्छा, 1 मतलब सबसे खराब, और फिर अपना स्कोर कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। ये सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्स का सिस्टम हमारा कैसा होने वाला है, चलिए एक बार उस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए हमारा 3 कैटेगरी में हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले तो हम 10 नंबर, पहले 10 नंबर केवल इस चीज के देंगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पर है, मतलब मान लीजिए आपका, आप अपना पोर्टफोलियो 5 साल से होल्ड कर रहे हैं, और अगर इस समय उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है, आपको पता होगा कितनी वैल्यू है, वो ओवरऑल वैल्यू आपके लाइफ टाइम हाई पर है कि नहीं है विद इन योर पोर्टफोलियो। अगर ऐसा है
तो आप 10 नंबर देंगे, नहीं तो 0 मिलेंगे। और खासकर इस समय जब स्टॉक मार्केट ही लाइफ टाइम हाई पर है, ऐसे में अगर आप मेरा पोर्टफोलियो विद इन 5% ऑफ लाइफ टाइम हाई नहीं है, तो मैं 0 नंबर दूंगा इन 10 में से। और तो ओवरऑल 100 में से 10 नंबर केवल इस काम के कि क्या आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई के 5% के अंदर है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगले 10 नंबर हम इस बात के देंगे कि जितने शेयर्स आपके पास हैं उनमें से कितने रेड में हैं, कितने ग्रीन में हैं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर्स हैं और आठ आठ ग्रीन में हैं और 2 रेड में, 8 फायदे में 2 नुकसान में, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। सिंपल, बहुत जरूरी है, ये बेसिक है। देखिए दोस्तों, पूरा रिपोर्ट कार्ड जब बनता है ना बच्चे का, तो कमेंट्स में प्रिंसिपल भले ही कुछ भी लिख दे, अच्छा बच्चा ये वो, लेकिन फाइनली परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम परफॉर्मेंस को ज़्यादा नंबर देंगे और जो सॉफ्टवेयर आइटम्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स वगैरह, उनको कम कम तवज्जो देंगे यहाँ पे। फिर तीसरा, मान लीजिए आपके पास 15 शेयर्स है, तो हम 15 शेयर्स में क्या करेंगे दोस्तों, मंथली कैंडल, मंथली ग्राफ देखेंगे उन शेयर्स का, 10 साल का हर मंथ का ग्राफ, और उसको 5 बैंड्स में डिवाइड करेंगे, टॉप टू बॉटम। 5 बैंड मतलब 5 मतलब बेस्ट, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस है टॉप बैंड में तो 5 नंबर देंगे, नहीं तो 4 नंबर गुड परफॉर्मेंस, 3 नंबर एवरेज परफॉर्मेंस, 2 नंबर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस और 1 नंबर पुअर परफॉर्मेंस के लिए, मतलब घटिया, बहुत घटिया, शर्म की बात है कि वो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है। हाँ दोस्तों, मैं तो यही मानूंगा कि अगर किसी शेयर को आपको 1 नंबर देना पड़ रहा है तो ये बहुत गलत बात है। मतलब आपको, मान लीजिए आपको क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाए, इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन, और एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको कोई भी ना ले दुनिया में, आपकी टीम में पड़े हैं, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, उस तरह से हम देखेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इन्फोसिस के शेयर का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए इन्फोसिस का ग्राफ है पिछले 10 साल का मंथली कैंडल, मतलब हर एक जो कैंडल है वो 1 महीना रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब ये करेंटली आज की डेट में यहाँ पर हैं हम लोग, 2023 में इस समय यहाँ पर हैं हम लोग। तो हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है ये और इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए अगर करंट कैंडल इस बैंड में आ रही है तो मतलब 5 नंबर बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर करंट कैंडल इस बैंड में आ रही है तो मतलब कि गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट नहीं है, गुड है, राइट। और अगर करंट परफॉर्मेंस इस वाले बैंड में है तो एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर हम इस हिसाब से देखें इन्फोसिस का करंट सिचुएशन, तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर आ रहा है, राइट, इसका करंट परफॉर्मेंस यहाँ पर, तो मतलब 4 नंबर मिलेंगे इन्फोसिस के स्टॉक को इस कंडीशन में। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लिया हमने। इंडसइंड बैंक सिमिलरली अगर हम उसको 5 बैंड में डिवाइड करें और देखें कि, देखिए इसमें मैंने जान के एग्जांपल आपके लिए क्यों लिया है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इसमें, ये लगभग 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो आप सोचेंगे 3 नंबर दो कि 4 नंबर दो। देखिए यहाँ पे, यहाँ इस समय दोनों के बॉर्डर में, लेकिन ऐसे में हम क्या करेंगे कि पिछले 3-4 साल का देखेंगे ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो मतलब क्या था कि हो सकता है आपने शेयर नीचे खरीदा हो, अभी तो हम एवरेज वो देख नहीं रहे, लेकिन क्योंकि पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली ऊपर है, ऊपर चलता जा रहा है, तो ऐसे में इस शेयर को हम लोग 4 नंबर देंगे, गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरह से करके हम सारे के सारे शेयर्स को परफॉर्मेंस पॉइंट्स देंगे। ये सब करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने ये बोला इंडसइंड बैंक को 4 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सब करके हम स्कोर कार्ड क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने बोला पहले 10% अगर पोर्टफोलियो आपका लाइफ टाइम हाई के विदिन 5% है, अगले 10% कितने शेयर्स आपके ग्रीन में है, कितने शेयर्स रेड में है, और बाकी 80% हम इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे जो अभी मैंने आपको सैम्पल दिखाया। अब ये सब कैलकुलेशन कैसे होगा, एक बार आपको एक सैम्पल रिपोर्ट कार्ड इन सब कैलकुलेशन से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक सैम्पल रिपोर्ट कार्ड है, इस सैम्पल रिपोर्ट कार्ड में हमने क्या किया है कि हमने देखा परफॉर्मेंस और पॉइंट्स, कितने रन्स मिले, कितनी स्क्रिप्ट्स हैं। मान लीजिए आपके पास 15 शेयर्स हैं, ठीक है, 15 शेयर्स हैं, 15 में से 5 जो 5 नंबर मिलते हैं बेस्ट शेयर को, ठीक है, 7 शेयर्स आपके बेस्ट वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, 2 शेयर्स आपके गुड क्वाड्रेंट में आते हैं, 2 शेयर्स एवरेज में, 2-3 बिलो एवरेज में, 1 पुअर वाले में आया मान लो, तो टोटल 15 शेयर्स। तो आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपका स्कोर आ, तो 56 मार्क्स हो गया आपके मैक्सिमम 75 में से, 7 आउट ऑफ 75, मतलब 75%, ठीक है,
नाउ हमें देखिए 10 मार्क्स तो थे ऑल टाइम हाई स्कोर वाले, 10 मार्क्स थे स्क्रिप्ट इन प्रॉफिट वाले, तो बचे 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का 75% कितना हो गया? 60। तो आपका टोटल जो है 77 पॉइंट आ रहा है। बेसिकली आपका रिपोर्ट कार्ड 77.7 है इस केस में, ये सैंपल है, इसमें किसी का पोर्टफोलियो हमने नहीं लिया है। तो अगर हम इस सैंपल को ग्रेड करें अपने आप को, तो देखिए अब 60 to 80 मतलब आपका अबव एवरेज ग्रेड है। और तो इससे हमें समझ में आया कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है। तो अब दोस्तों, क्या आप मेरा पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहेंगे? तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर भी हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं अतुल जैन के रिपोर्ट कार्ड, अतुल जैन का पोर्टफोलियो कैसा है। एक्सीलेंट है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज, मेरे को तो ऑलरेडी पता है अच्छा है, लेकिन चलिए चलते हैं। और सबसे पहली बार, जैसा मैंने बोला, मैं आपको अपने शेयर्स दिखाने वाला हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ा काम किया हुआ है कि अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स, जो मेरे पास 19 शेयर्स हैं, एक्चुअली इस समय 23 शेयर्स हैं, लेकिन 4 शेयर्स थोड़ा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनको मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो 19 शेयर्स अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं, और इनमें से केवल एक ही जो आईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर है, केवल एक ही रेड में है, बाकी सारे ग्रीन में हैं। तो 19 में से 18 नंबर मेरे को उस पार्ट के मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्काइल अमीन। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे जैसे इधर, राइट, ये हमारा हो गया, मैंने जीरोधा में 19 के 19 शेयर्स शॉर्ट करके हंड लगा लिए। अब अगर हम देखें अल्काइल अमीन पे आते हैं, अल्काइल अमीन का ये चार्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं करेंगे पिक्चर 5 बैंड की, हमें रफली पता लग रहा है कि ये शेयर कहाँ पर है। तो देखिए ये शेयर इस समय लगभग बैंड नंबर 3 के आसपास है, नहीं 5, 4, 3 है ना। तो इसको हम लोग तीन 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 पॉइंट्स देंगे, 3 रन हमने दे दिए अल्काइल अमीन को। एशियन पेंट्स नंबर 2 है, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स टॉप पर है, इसको 5 नंबर मिलेंगे। डी मार्ट, एक बार में दो कट है, डी मार्ट इस समय 3 वाला है। तो बेसिकली एशियन पेंट्स के 5, डी मार्ट के 3। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक अगर हम देखें, एक्सिस बैंक टॉप पर होगा, इसके 5 नंबर। बजाज फाइनेंस भी टॉप पर होगा, इसके भी 5 नंबर। CDSL इंटरेस्टिंग शेयर है, इसके 2 नंबर, राइट, क्योंकि इसका टॉप, इसके टॉप में देखें तो 2 नंबर आते हैं, ठीक है, 5, 5, 2। चलिए इसको लिख लेते हैं 5, सॉरी 5 इसके 5 इसके 3, सॉरी CDSL के 3। अब अगला हो गया ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप के 2 नंबर, राइट, थोड़ा और नीचे है। गार्डन रीच शिप बिल्डर 5 नंबर, और HDFC बैंक, देखिए बहुत सिंपल है इसीलिए बोला था, इसके भी 5 नंबर। ICICI सिक्योरिटीज, इसके शायद 2 ही नंबर मिलेंगे। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, इज माई ट्रिप के थे 2 नंबर, गार्डन रीच के 5 नंबर, HDFC बैंक के 5 नंबर, ICICI सिक्योरिटीज के 2 नंबर, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ITC। तो चलिए थोड़ा और ऊपर सरकाते हैं इसको, हाँ इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक के 4 नंबर, राइट, इंफोसिस, इंफोसिस के 3 नंबर, क्योंकि ट्रेंड भी नीचे है, राइट, 4, 3। ITC 5 नंबर टॉप पर है, जेएसडब्ल्यू स्टील 5 नंबर टॉप पर है। तो चलिए डालते हैं इंडसइंड बैंक के 4 नंबर, इंफोसिस के 3 नंबर, ITC के 5 नंबर, जेएसडब्ल्यू के 5 नंबर। चलिए फिर क्या आया, KEI इंडस्ट्रीज, हाँ इसके तो 5 नंबर थे ही। पीडीलाइट, पीडीलाइट भी 5 नंबर पर है। रिलायंस, रिलायंस भी 5 के पास। टाटा मोटर्स, ये जो एकदम ही लाइफ टाइम हाई पे दिखाएगा शायद आपको, हाँ ये भी 5 नंबर। विप्रो, विप्रो के 3 नंबर, राइट। तो के इंडस्ट्रीज के 5, फिर पिडलाइट के 5, रिलायंस के 5, टाटा मोटर्स के 5, विप्रो के 3। ये हो गया हमारा टोटल जोन,
अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें हमें रन्स, अब इस पूरी टेबल को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो इजी रहेगा सॉर्ट करके, हम उसको जोन पर सॉर्ट कर दिया। तो देखिए वो हो गए इधर, तो अब हम लोग इधर आएंगे और इसको मार्क्स देने हैं ना हमें। तो यहाँ हम स्कोर कार्ड बना रहे हैं कि सबसे पहले देखेंगे एक नंबर कितने शेड्स को मिला। एक नंबर वाले हमारे पास 0 है, बहुत खुशी की बात है। दो नंबर वाले हमारे पास 2 शेड्स हैं, ठीक है, आपका स्कोर 2 नंबर वाले 2 शेड्स हो गए, ठीक है। अब वापस इधर जाते हैं, 3 नंबर वाले 6, ठीक है, 3 नंबर वाले 6, 4 नंबर वाला 1, और 6 7 8 9, 5 नंबर वाले 9, 6 1 9, राइट, 3 नंबर वाले 6, ठीक है, ये 6 नंबर दिए तो मतलब 6 थ्री एवरेज वालों से मैं 18 मार्क्स लिए। फिर गुड वालों से 1 नंबर, राइट, इंडसइंड बैंक वाला, इसके 4 4 रन मिल गए टोटल, और इसमें हमारे हो गए 9, है ना, 18 रह गए, तो एक रह गया कोई, ये दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए ये 19 चेयर्स है ना, हाँ काउंट तो 19 है, 2 2 7 1 2 7 1 था ना, 2, हाँ इधर से 7 2 7 1, ठीक है। तो एक तरह से हमारा ये स्कोर हो गया। अब पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने नंबर ऑफ शेड्स से मल्टीप्लाई किया तो 45, तो टोटल स्कोर होगा हमारे पास 74, 19 स्क्रिप्ट्स थी, तो मैक्सिमम स्कोर हो सकता था हमारा 95, 95 वैसे 74 है, तो इसमें परसेंटेज हो गया हमारा 78, राइट। और अगर हम 80 मार्क्स में करें तो 78 मतलब 62 रन हमें यहाँ मिले हैं। ऑल टाइम हाई स्कोर, क्या मेरा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर है, तो 10 नंबर मिले। कितने शेयर्स प्रॉफिट में हैं, 19 में से 18, तो 9.5 मार्क्स मिले। तो टोटल अगर हम इन तीनों का करें तो हो गया 81.8, तो 82% मार्क्स हमें मिले हैं। तो अगर अब हम वापस इधर आए, 82% टाइम टू ग्रेड योर सेल्फ। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो की जो कुछ खास बातें थी उसको तो हम देख लें पहले। देखिए दोस्तों, ये मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जैसा कि आपने देखा सब शेयर्स, मोस्टली मैं थोड़ा सा रिस्क एवर्स हूँ, तो थोड़ा और रिस्की शेयर्स होते तो और ज़्यादा हाई वाले ज़्यादा होते। मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पर है, ये बात आपको समझनी बहुत 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 ज़रूरी है। और फिल्टर 3 स्टॉक्स, एक्चुअली 4 स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 3 महीने में चारों के चारों ग्रीन में हैं, टोटल 19 स्टॉक्स हो गए। पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर है, उसके मैं 10 मार्क्स में लिए हैं मैंने, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। 18 स्टॉक्स ग्रीन में है, एक रेड में है, तो 9.5 मार्क्स मिल गए। और बेसिकली पोर्टफोलियो का स्टॉक आपने अभी देखा, तो ओवरऑल स्टॉक देखने के बाद देखिए मेरा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली यहाँ पर है, एक्सेलेंट पोर्टफोलियो मैं अपने आपको दे रहा हूँ, क्योंकि 80 to 100% वाली रेंज में आ गया। लेकिन अगर मैं अपने आपको एनालाइज करूँ तो एक तो चीज़ अच्छी है कि एक्सेलेंट वाले में है, बी सी डी यू नो ए बी सी में नहीं है, ए प्लस वाले में है, लेकिन जस्ट बॉर्डर पे है, एक तरह से देखा जाए तो 82% है। तो मेरे को ये देखना है कि अगर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इवन तो मेरा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पर है, पर कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता था। ऐसा नहीं है कि ग्रेड ए प्लस मिल गया तो कुछ और इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं दोस्तों। तो देखिए बहुत सिंपल आसान शब्दों में हम अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। किसी को आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड बनाइए। तो इसमें क्या क्या हम चीज़ें देख पा रहे हैं, पहली चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ, आप ये देख पा रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर है। जब स्टॉक मार्केट सर्टेन पॉइंट पर है, मान लीजिए ऑल टाइम हाई है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, अगर किसी स्टॉक को आपने एक या दो नंबर दिए हैं तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों। मेरा बहुत सिंपल सा ख्याल है, मेरी बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि कोई भी स्टॉक मेरा, अपना एग्जांपल शेयर करूँ, कोई भी स्टॉक मेरा
200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है ना, मैं उसको निकाल देता हूँ। इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो बहुत क्लीन है, अनलेस के मेरे पास भी बहुत ही सॉलिड रीजन है। ये वो रीजन ये नहीं हो सकता कि यार ये शेयर एक ना एक दिन ऊपर जाएगा, कोई मेरे को बिजनेस को लेके मेरा कन्विक्शन है या कुछ ऐसा है, तभी मैं स्टॉप को रखता हूँ, नहीं तो बिल्कुल निकाल देता हूँ मैं। इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो काफी डिसेंट है। और तीसरा पॉइंट कि अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ करना है इस रिजल्ट के बाद, खासकर मैं भी अपने उन शेयर्स को देखूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो को नीचे, मेरे रिपोर्ट कार्ड को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? अगर करना है तो करूंगा, है ना, भले ही टाइम लगा के करे, जरूरी नहीं है सब कुछ आपको कल ही करना है। क्योंकि हो सकता है, देखिए जब लाइव मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है तो कई बार हो सकता है कि जो जो शेयर्स कचरा है वो भी चल रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हैं अपना आगे का प्लान, अपने गेम प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी, कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो लेके चलना है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है दोस्तों कि जो करंट परफॉर्मेंस है उससे आगे की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन उसे आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके का आइडिया लग जाता है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई करंट परफॉर्मेंस डज नॉट इंडिकेट फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है, उसने किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स किए, वो उसमें झलक जाता है उसकी करंट परफॉर्मेंस पे। और देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में मैंने फिलहाल कोई स्टॉक्स की क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, और अब उसको भी पैरामीटर लगा सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स, किस सेक्टर के स्टॉक, उस सेक्टर के स्टॉक, क्योंकि मेरा ये मानना है फाइनली रिजल्ट मैटर करता है दोस्तों। जैसे स्कूल में भी होता है ना कि आपका बेटा मैथ्स में बहुत टॉप है, कई लोग होते हैं कि यार मैथ्स में जीनियस है, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, वो बच्चा शायद फेल ही हो जाएगा ना। तो इस पूरे के पूरे रिपोर्ट कार्ड बनाने के प्रोसेस में हमने ज़्यादा जोर इस चीज़ को दिया है कि नंबर्स कितने आ रहे हैं, रिजल्ट क्या है भैया, है ना, भाव क्या है, भाव भगवान छे, राइट, रिजल्ट रिजल्ट मैटर्स। और देखिए दोस्तों, लेकिन आप चाहे तो अपना रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, उसमें कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट जो मैंने फिलहाल ऐड नहीं किया, मैं अपने वाले वर्जन में मैं ऐड किया हुआ हूँ उसको, कि किस शेयर की कितनी वेटेज है, अगर आप चाहेंगे तो वो मैं बाद में शेयर करूंगा, उसके लिए एक और रिपोर्ट कार्ड बना लेंगे। लेकिन मेरे को लगा वेटेज भी ऐड करूंगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा था। और जनरली लोग जो अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं दोस्तों, अच्छे पोर्टफोलियो की एक तो ये निशानी है कि भर भर के शेयर्स नहीं होते। मेरे को लग रहा है इस समय पास 23 शेयर्स है, वो भी ज़्यादा है। जनरली मेरा टारगेट रहता है 17-18 से ज़्यादा शेयर्स ना रखूँ, जबकि बड़ा पोर्टफोलियो है मेरा। तो ये जरूरी है कि पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन आपके हाथ में हो, और मैं अपने पोर्टफोलियो के हर एक शेयर को, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी, मैं महीने में एक बार उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, उनके ऊपर वीडियोस भी देखता रहता हूँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप क्या वेट कर रहे हैं, आपके लिए ये अच्छा मौका है, 1 घंटा बिताइए, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा अपना पोर्टफोलियो बनाने में, अपना पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड बनाने में 1 घंटा लगाइए, अपने पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड बनाइए। उसको बनाने में कुछ दिक्कत आए तो मुझको कमेंट कीजिए और मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। वो एक बार बन गया तो जैसे, एक तो आप अपने कुछ भी क्वेश्चंस हो तो उसको पोस्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन एक जो चीज़ है जो अगर आपको फिनेंशियल फ्रीडम लाइफ में चाहिए, तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका फिनेंशियल फ्रीडम पाने का है बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना। देखिए दोस्तों, इस समय मेरा एक ऐसी स्थिति है कि शायद मैं ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट से भी कहीं कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म एम यही है कि एक बार मेरे पोर्टफोलियो का जो एक साइज़ मेरे दिमाग में, एक बार उस साइज़ का मेरा पोर्टफोलियो पहुँच जाए, तो मैं बाकी सब एक्टिविटीज़ बंद कर दूंगा, क्योंकि वो होगी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्रोग्रेस आप हर दिन, हर पल, हर महीने ट्रैक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फाइनली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊं, तो उसको कमेंट में डालिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट सेक्शन में लिखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा आपको। जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, सब में सब रिस्क तो है ही, रिस्क है तो इश्क है। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही यूनिक वीडियोस, हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ और लोग भी रिपोर्ट कार्ड के वीडियोस बनाए, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही यूनिक वीडियो है। और अगर ऐसे यूनिक वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा आसान हो जाए, अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों कि फाइनली मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, आप अपना पैसा बनाएं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है दोस्तों। तो फाइनली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम आने के लिए ये सब पैरामीटर्स बहुत जरूरी, सेविंग, पैसिव इनकम, एलिमिनेशन डेट, राइट। तो इस पिक्चर को हमेशा याद रखिए दोस्तों, और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन, आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। नमस्कार।